ये लेटेस्ट वाले एरोप्लेन पे बैठ के आया है, सॉलिड रावण लग रहा है भाई। अपने एरिया की क्रिएटिविटी ही नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर देखो भाई, रावण की अंतिम यात्रा निकल रही है, लेके जाया जा रहा है बेचारे को। भाई साहब, रावण जी प्रपोज कर रहे हैं। ओए होए, रावण उठा लिया पाइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नागुर सारा ब्लॉग। भाई आज की इस वीडियो में ना रावण दहन दिखाऊंगा आप लोगों को, और दिखाऊंगा अपने एरिया की क्रिएटिविटी। भाई हमारे एरिया के अंदर ना क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे रावण आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि देख के आप लोगों को भी आएगा बहुत ज्यादा मजा। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कमाल के रावण बनाए भाई हमारे एरिया के लॉन्डो ने, और फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे अलग अलग रावण मिलते हैं हमें। रावण तैयार हो रहा है, अभी तैयारी चल रही है, और इस रावण को मैं तुम्हें बाद में डिटेल में दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये जो रावण है ना भाई, ये चला रहा है गाड़ी स्पेशली। और जब ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा ना, ये भाई लोग अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फुल लगे हुए हैं इसको बांधने में। और यहाँ बम तुम देख सकते हो भाई, तगड़े वाले लगाए हुए हैं, तो आएगा फुल मजा जब ये फटेगा। और यहाँ पर इसकी गाड़ी भाई रोल्स रॉयल्स से कम नहीं है, ये गाड़ी देख रहे हो काफी खतरनाक है भाई। इलेक्ट्रिक कार है, मतलब लेटेस्ट वाला रावण आ चुका है इलेक्ट्रिक कार पे। भाई यहाँ चेक करो, रावण को इन्होंने दारू पिला दी है फुल, ये देखो वो भी रॉक फूड की बॉटल। अरे वाह भाई, अब रावण नशे में कार चलाएगा और फिर एक्सीडेंट करेगा, तो चलान के नाम पे पता है क्या करेंगे, इसको जला देने वाले हैं ये लोग। अरे हट जाओ भाई, हट जाओ भाई। देखो यहाँ पर चालू हो गई है प्रक्रिया, इसमें सारा ये भूसा भूसा भर रहे हैं, फटाफट आग लग जाए। और साथ में वहाँ चल रही है पूजा, देखो इधर चल रही है पूजा पाठ, क्योंकि पूजा वूजा करने के बाद ही रावण को आग लगाया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, भोग लगवा दिया गया क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। भाई यहाँ देखो पूरा इन्होंने चालू कर दिया आग लगाना, और आग लगाने से भाई ये छुटकू भी आग लगा रहा है, दिख रहे हो बच्चे को भाई साहब। चलो भाई चलो, आग लगाओ आग लगाओ, मैं पीछे हो रहा हूँ। चलो भाई पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, भाई साहब पीछे हो जाओ, पता लगे मेरे पे आ गए उड़ के। चलो 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 पीछे हो जाओ, पहले हट जा भाई, पीछे हो जा। रावण भाई पीछे से तो फटा है काफी तगड़ा, और आगे आग नहीं लगी अभी ढंग से, लेकिन दोबारा इन्होंने किया भाई, रिस्की है ये, भागो वहां से। तो भाई तुम्हारा जो ये मेहनत है, ये कितने दिन की मेहनत थी? ये हमारी जगह 6 दिन की मेहनत थी। छह दिन की मेहनत थी, और नाइट वेट में भी काम किया होगा। एक दिन का लास्ट डे कल करा था। और कितने रुपए लगे थे? नाना करके 10,000 रुपए, 10,000 के लगभग लग गए थे। और भाई कैसा लग रहा है तुम्हारे 10,000 देख के? अब तो दुख हो रहा है, जब पहले था तो मैं खुशी हो रही थी। मतलब आप सोच नहीं सकते भाई, पूरा इनकी मेहनत तगड़ी लगी, और उसके बाद रिजल्ट, ओए होए होए होए, देख रहे हो रिजल्ट अभी भी मिल रहा है। यहाँ पर चेक करो भाई, बच्चों ने बनाया है एक सॉलिड सा रावण, और ये रावण भाई स्माइली वाला है, क्यूट सा लग रहा है ये रावण देखने में। और क्या हाल चाल है जोगिंदर, एक बार करके दिखा। इतने बूंदी के लड्डू खा लेगा भाई, अलग ही टैलेंट है इस लौंडे में। बाकी ये वाला रावण चेक करो, ये वाला रावण ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सिलेंडर शेप में है भाई साहब, इसने बहुत डाइटिंग किया। हाथ पैर का है भाई इस रावण के? हाथ पैर कट गए, कट गए। अरे भाई इन्होंने लगाए हैं गोले वोले, बहुत तगड़े वाले, खतरनाक ही रावण बनाया है इन लोगों ने। और भाई साहब ये रावण के हाथ पर कुछ तो लगा देते यार तुम, कसम से हमने कट दिए भाई, युद्ध लड़ा था रावण ने, बिना हाथ के लड़ा था भाई। अब कुछ भी बना के रहते हो जोगिंदर, ओ छोटे जोगिंदर, कैसे हाथ आएंगे इसके? जोगिंदर करके इसके आएंगे, जो जोगिंदर भाई जोगिंदर। तो भाई अपने एरिया के अंदर ना टैलेंट ही टैलेंट भरा हुआ है। यहाँ पर रावण देख सकते हो, एक और लगा हुआ है काफी सही। ओए ये तो रावण नहीं है, ये कहाँ से आए? चलो छोड़ो इनको साइड में करते हैं। वहां लिखा हुआ रावण के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा डेंजर और बना रखा है स्कल। स्कल भी भाई बिल्कुल डेंजर का साइन है कि भैया थोड़े दूर रहना, क्योंकि बम तगड़े वाले लगे हुए हैं भैया ने बनाया है रावण। तो भाई बहुत तगड़े बम लगाए हैं इसमें, मोटे वाले आलू बम। अरे वाह, खतरनाक फटने वाला है। और साथ में देखो यहाँ शॉप वॉप है, ये बंद होने के बाद ही फटेगा, अदरवाइज बूम बूम हो जाने वाला है। और काफी बढ़िया लग रहा है यार देखने में। तो
फाइनली भाई ये वाला रावण भी जल गया। और रावण जलने के बाद ना एक चीज मुझे अजीब लगती है, सारी हड्डियां बच जाती है। मतलब अगर इसको रखने की जगह हो ना तो अगले साल भी सेम रावण काम आ सकता है। ये वाला रावण देखो भाई, ये वाला रावण एक नंबर है। ये वाला रावण कहाँ आया भाई, अपने पुष्पक विमान नहीं, ये लेटेस्ट वाले एरोप्लेन पे बैठ के आया है। सॉलिड रावण लग रहा है भाई, अपने एरिया की क्रिएटिविटी ही नेक्स्ट लेवल है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर आवाज आ रही है मेरी, तो ये है जबरदस्त वाला एरोप्लेन और इस एरोप्लेन में बैठा है अपना रावण। काफी लंबा एरोप्लेन इन्होंने बनाया है और काफी क्राउड है यहाँ पे और डीजे भी चल रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लंकेश्वर एयरलाइंस, OMG लंकेश्वर एयरलाइंस में आ गया। और ऊपर भाई रावण के दांत और मूंछों पे भी बहुत सही कलाकारी की और आईज में लगाई है लाइट, जबरदस्त भाई। अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग पाए कि एरोप्लेन कितना ज्यादा लंबा और कितना बढ़िया बनाया है। टायर्स के साथ साथ पूरा एरोप्लेन है, काफी जबरदस्त लग रहा है। एरोप्लेन के पंखे भी है ना, वो मूव होते हैं पूरे के पूरे। इस वाले रावण को देखो भाई, काफी ज्यादा घमंड में है ये रावण, टेढ़ी मुंडी करके खड़ा है और इसके ऊपर स्लोगन भी लिखा हुआ है, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। वाओ, यहाँ पर देखो भाई रावण की अंतिम यात्रा निकल रही है, लेके जाया जा रहा है बेचारे को। तो भाई ये वाला रावण चेक करो, ये वाला रावण ना स्पेशली बहुत ही अलग सा कुछ है, क्योंकि ये बैठा हुआ है फुल अपने सिंहासन पे। ये देखो पूरा का पूरा इसका सिंहासन वगैरह है और सिंहासन पे लदा हुआ है, भीड़ काफी हो रही है, बहुत सॉलिड लग रहा है। और चेस्ट पे बनाया काफी सही डिजाइन भाई साहब। और ये क्या है, क्या लिखा है भाई इसके पे, है कोई टक्कर में? अरे वाह, ये सही है, मतलब अलग अलग स्लोगन्स मिलेंगे, खतरनाक खतरनाक रावण मिलेंगे अपने एरिया के अंदर। और ये जूते भी भाई साहब एकदम शार्प है, बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने में। देखो रावण की हाइट दिखाने के लिए ना भाई को खड़ा किया मैंने, इसकी हाइट देखो और रावण की हाइट देखो भाई, मतलब बैठा हुआ रावण है फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर है। और जब इसमें आग लगेगी ना भाई, ये कमाल का जलने वाला, खतरनाक लगेगा। भाई ये वाला रावण तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो भाई, ये भाई कोई लेग्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल भी लंजेस नहीं कर रहा, ये वॉकिंग लंजेस वाला पोज है। लेकिन एक्चुअल में ये रावण पता क्या कर रहा है, टटटड़ा भाई साहब, रावण जी प्रपोज कर रहे हैं फुल एकदम मूड में। और ये रावण भाई साहब, रावण जी ने यहाँ पर अपने खतरनाक दांतों के बीच में गोले बम छुपा रखे हैं, कैप भी लगा, मतलब कैप नहीं भाई, हैट लगा रखी है। और ये है भाई साहब रावण जी का फ्लावर, जबरदस्त वाला, काफी अमेजिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। पीछे क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ अच्छा, पीछे तलवार छुपाई हुई है भाई साहब। तो रावण की दोहरी नीति यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई है कि रावण कितना खतरनाक बंदा है भाई, प्रपोज करके पीछे से तलवार मारने वाला है, एक नंबर भाई। क्रिएटिविटी में कह रहा हूँ ना कि हमारी एरिया में भाई नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी चलती है यहाँ पर लोगों की। एक और रावण अपने एरिया का यहाँ पर तैयार हो रहा है फुल। इसके देखो यहाँ पर मुर्गा छाप की लड़ियां और गोले ही गोले लगा दिए, मतलब फुल तुम्हें स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रावण पूरा प्रोसेस हो रहा है। और ये देखो भाई डेंजर का साइन लगा दिया है और यहाँ पर भी मोटे मोटे गोले बम है भाई, बम भयंकर लगाए हैं। और अभी तो रावण जी हमारे आराम कर रहे हैं और भाई लोग अभी भी बम की फिटिंग करने में लगे हुए हैं। ये चेक करो, ताज के अंदर भी, अरे बंदा भी है भाई, ये वही बात। और ये देखो भाई फुल दर्शन, ये मजेदार बम फिट हो रहा है यहाँ पर। इधर भाई, इधर आप कर दो, ये हाय बोला तो भाई कर रहा, फुल जोश में है। ओए भाई मोहल्ला ना रावण के धमाकों से छोड़ो, तुम्हारी चीखों से हिल जाने वाला है, खतरनाक। देखो भाई कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, ये देखो, ओए होए रावण उठा लिया पाइन, ये हुई ना बात। ओ भाई साहब ये लोग तो लेके चल दिए, एकदम अर्थी वाली फीलिंग आ रही है। अरे भाई साहब नारे तो लगाओ, राम नाम सत्य वाले है भाई, रावण ले जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ये रखा, अब जोड़े जाएंगे इसके हाथ, क्योंकि भाई साहब अभी तक तो इस रावण के हाथ नहीं है, अब हाथ लगाने का वो चालू होगा, क्या कहते हैं, प्रक्रिया चालू होगी हाथ लगाने की, और उसके बाद रावण जी खड़े होंगे और फूंक दिए जाएंगे। अच्छा ये रावण देखो अभी लेटा हुआ है, ये रावण ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो रावण है ना भाई, ये रावण एक दिन में बनाया गया, मतलब सोच सकते हो कि कल बनाना शुरू किया और आज दशहरा है, एक दिन में क्या सॉलिड सही फिनिशिंग के साथ भाई लोगों ने बना दिया रावण को। और अभी तो ये आधा है, इसका नीचे का हिस्सा हटिया भाई, तू तो नहीं है ना नीचे का हिस्सा, फिर ठीक है। ये देखो पैंट बनाई है भाई रावण की, और एक दिन के हिसाब से काफी सही है भाई, तगड़ी मेहनत इन लोगों की। ये रहा भाई,
मतलब एक दिन में फेल दिया। 10:30 बजे स्टार्ट करा था रात को, कल 10:30 बजे रात में स्टार्ट किया है भाई। क्या चाहते हो तुम, मतलब तूफानी तरीके से रावण बना दिया इन लोगों ने और गोले लगाए इसमें मोटे मोटे, धमाका मतलब सॉलिड है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आप लोगों को, कमेंट करके मुझे बताना। और कौन सा रावण आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दो यार, कंफर्म करो ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई आप लोगों को क्या चीज ज्यादा पसंद आई है। तो इस वीडियो में करते हैं इतना ही और आपसे मिलते हैं अगली वीडियोज में, क्योंकि अगली जो वीडियोज आने वाली है और भी ज्यादा तबाही वाली वीडियोज आने वाली है। तो फटाफट से अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।